दूध जिसकी हर कॉन्टिनेंट में खपत है, और अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो हो सकता है कि आपके यहाँ दूध आता हो यहाँ से। ये है सऊदी अरेबिया में अलमराई की मेगा फैक्ट्री। कई बार तो समझ नहीं आता कि ये मूव क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, इतनी बड़ी जगह है ये। इस मेगा फैक्ट्री में दूध की लाखों बॉटल्स तैयार होती हैं। यहाँ से सिर्फ दूध ही बाहर नहीं जाता, योगर्ट्स, चीज़ेस और जूसेस का भी यहाँ बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। इस फैक्ट्री में छत तक हाई टेक इक्विपमेंट लगे हुए हैं। मैं यहाँ काम पर बड़ी बड़ी मशीनों से खेलता हूँ। इतने बड़े पैमाने पर मिल्क डिलीवर करने के लिए जरूरत होती है मेगा फैक्ट्रीज की। हर साल दुनिया में डेयरी प्रोडक्ट्स की 50 करोड़ टन से ज्यादा खपत होती है। और सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है अलमराई डेयरी। इसका नाम और प्रोडक्ट्स पूरे मिडिल ईस्ट में फेमस हैं। इस मेगा फैक्ट्री से निकलने वाले बेस्ट सेलर्स में से एक है हमारा जाना पहचाना दूध। कितना? हर रोज 1 करोड़ ग्लास के बराबर। और इसके लिए चाहिए खूब सारी गायें, ठीक ठाक कहें तो 1,35,000। इस बड़े झुंड की हर गाय साल में ऑन एन एवरेज 13,000 लीटर से ज्यादा दूध देती है। होल्स्टीन हॉलैंड की गायें हैं और दूध देने की गजब की क्षमता की वजह से इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। अलमराई में मौजूद ये गायें दूसरी स्पीशीज के मुकाबले ज्यादा दूध देती हैं। हम इन काउ से ज्यादा क्वांटिटी में दूध ले पाए इसके लिए हम इन्हें अच्छी तरह रखते हैं, हम इन्हें अपने पेट्स की तरह पाल कर रखते हैं। इन गायों को खूब खिलाया जाता है, काफी पानी पिलाया जाता है और सुकून में रखा जाता है। इस सब की वजह से ये काफी दूध देती हैं। ये मेगा फार्म्स हर रोज 25 लाख लीटर कच्चा दूध उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये दूध दे सके इन्हें बछड़ों को पैदा करना होता है। फार्म पर बुल्स नहीं है, इसलिए फीमेल्स को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इम्प्रेग्नेट किया जाता है। स्पीशीज वही इस्तेमाल होती है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। गायों पर बारीकी से नजर रखी जाती है और इंसेमिनेट की गई गायों पर निशान लगा दिया जाता है ताकि 35 दिनों में उनकी प्रेगनेंसी की जांच की जा सके। अलग अलग उम्र की गायों को खास तौर पर तैयार किया चारा खिलाया जाता है जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा विकास हो। ये गायें दिन में 4 बार खाती हैं और खाने के समय इतनी सारी गायों को एक साथ खिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस फार्म में मिक्सिंग की 12 बड़ी मशीनें हर रोज 1200 टन चारा तैयार करती हैं। इसमें खूब सारा प्रोटीन और अल्फाल्फा खास तौर पर मिलाया जाता है। एक मिक्सर 600 गायों के एक बार के खाने लायक चारा मिक्स करने में 8 मिनट लेता है। चारे का जैसा मिक्स होता है उसके हिसाब से ट्रक इसे गायों के बड़े या छोटे बछड़ों तक पहुंचाते हैं। एक दिन में वो तकरीबन 50 किलो चारा खाते हैं और इस सब का वक्त पर डिलीवर होना और प्रिसाइज होना बहुत जरूरी होता है। इन्हें चारा खाने में करीब 1 घंटा लगता है और फिर उसके बाद ये गायें जाती हैं मिल्किंग पार्लर में ताकि पंपिंग प्रोसेस शुरू हो, और सारा दूध निकाल लिए जाने के बाद उसे फैक्ट्री भेजा जाता है। इस मेगा फैक्ट्री में दूध साइलोस से होता हुआ प्रोसेसिंग, लेबलिंग और फिलिंग में जाता है, लेकिन पहले यहाँ ब्लो मोल्डिंग एरिया में बॉटल्स बननी जरूरी हैं।
और दूध की ये हार्ड बॉटल्स यहाँ साइट पर ही बनाई जाती हैं। ये बनाई जाती हैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन यानी HDPE से। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने होते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में से एक है, जिससे ग्रोसरी बैग्स, पाइप्स और खिलौने तक बनाए जाते हैं। दूध की बॉटल्स बनाने के लिए ये एकदम सही है, क्योंकि इसके पॉलीमर्स हल्के, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हर रोज इन दानों की 12,000 से ज्यादा बोरियों को तकरीबन 4,00,000 बॉटल्स की शक्ल दे दी जाती है। एक साल में यहाँ 45,000 टन HDPE यूज होता है, तो ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। लोडिंग बिन से ये पाइप्स के जरिए सक करके एक ब्लेंडिंग मशीन में पहुंचाए जाते हैं, जो इन पैलेट्स में से 250 किलो तक को रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ मिक्स करती है। ये सब एक 15 टन की ब्लो मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहां प्लास्टिक को तकरीबन 190 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। इसके बाद सॉफ्ट प्लास्टिक को मेटल के एक सांचे में ब्लो किया जाता है, जो हर कंटेनर को शेप देता है। हर 8 सेकंड में बॉटल्स की एक नई लाइन कन्वेयर बेल्ट पर पहुंच जाती है। भरे जाने से पहले बॉटल्स पर फालतू लगे प्लास्टिक को काट कर अलग कर दिया जाता है। ट्रिम की गई 3,500 बॉटल्स में से 160 किलो प्लास्टिक निकलता है। प्लास्टिक के ये टुकड़े फिर से पिघलाए जाने के लिए ब्लेंडिंग मशीन में वापस आ जाते हैं। अब ये बॉटल्स सही शेप में आ चुकी हैं, इसलिए अब टाइम है इन्हें परखने का। हर बॉटल को टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो लीक तो नहीं कर रही। रबर पैड्स बॉटल का ऊपरी सिरा जकड़ते हैं और हवा को बाहर सक कर लिया जाता है। छेद होने पर एक सेंसर उसे पकड़ता है और मशीन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हुई बॉटल्स को रिसाइकलिंग बिन में डाल देती है। अब जब ये दूध की बॉटल्स तैयार हैं और लाखों कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में आखिर गाय से दूध बॉटल तक कैसे पहुंचाया जाता है? यहाँ मेगा फार्म पर अब टाइम है दूध निकालने का। एक ऑटोमेटिक सिस्टम इस्तेमाल करके बिजली की तेजी से दूध निकाला जा सकता है। इस पार्लर में एक बार में 300 गायों का दूध निकाला जा सकता है। अब ये जो प्रोसेस है, ये दिन में 4 बार होता है और इसमें 6 घंटे लगते हैं। इतनी सारी गायें हैं, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई छूट ना जाए। हर गाय के बाएं पैर में एक माइक्रोचिप लगी हुई है, जो उसकी हर हरकत को पकड़कर कंट्रोल रूम तक पहुंचाती है, जो इस पर भी नजर रखता है कि उसने कितना दूध दिया। दूध निकालने के ये डिवाइस इस तरह काम करते हैं जैसे गाय का बछड़ा दूध पीता है। इस पल्सेशन से दूध तेजी से बाहर आता है और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 12 मिनट लगते हैं और एक गाय एक दिन में 90 लीटर तक दूध दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 6 मेगा फार्म से रोजाना 25,00,000 लीटर से ज्यादा दूध मिलता है। मतलब हर गाय से दूध के तकरीबन 400 ग्लास। दूध निकालने के बाद हर बार थनों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे कि कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना पैदा कर सके। मिल्किंग एरिया के ठीक नीचे पंप किया सारा दूध पहले इन वाल्व से फिल्टर किया जाता है, ताकि कोई तिनका वगैरह हो तो निकल जाए। इसके बाद ये एक स्टेराइल पाइप से होता हुआ होल्डिंग एरिया में पहुंचता है, जहां इसे 3 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा ना हो पाए। ठंडा किया हुआ दूध फिर पंप करके स्टील के 4 होल्डिंग साइलोस में भेजा जाता है और अब ये ले जाए जाने के लिए तैयार है। कुछ ही घंटों में इसे रेफ्रिजरेटर टैंकर्स में भर दिया जाता है, जिसकी कैपेसिटी 30,000 लीटर्स होती है। 30 मिनट बाद ट्रक फार्म से निकल जाता है।
उससे पहले ये डिसइंफेक्टेंट शावर से गुजरता है, जिससे कि गायों को हो सकने वाली फुट एंड माउथ डिजीजेस से बचाया जा सके। इस 30 मिनट के सफर की मंजिल है दो प्रोसेसिंग प्लांट्स, जहां पर असली एक्शन शुरू होता है। हर रोज तकरीबन 80 टैंकर इन अनलोडिंग बेस तक कच्चा दूध पहुंचाते हैं। इससे पहले कि ये पीने लायक बने, इसे कई प्रोसेसेस से गुजरना होता है, ताकि ये पक्का हो जाए कि इसकी क्वालिटी एकदम सही है। और ये होता है पैस्टराइजेशन रूम में। कच्चे दूध को पहले आपस में मिलाते हैं, यानी होमोजेनाइज करते हैं। इसके लिए दूध गुजरता है पाइप्स, सेंसर्स और टेम्परेचर गेजेस के एक नेटवर्क से, ये पक्का करने के लिए कि दूध की क्वालिटी बढ़िया है और ये सारा एक जैसा है। इसके बाद दूध को पाश्चराइज करना होता है। इसे गर्म प्लेट्स के बीच से पाइप के जरिए गुजारा जाता है, जो दूध का टेम्परेचर एकदम से 78 डिग्री तक बढ़ाकर हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है और दूध की लाइफ को बढ़ा देता है। नई बनी बॉटल्स का पहला बैच एक ही लाइन में लगाया जाता है, जो लेबल चिपकाने के लिए तैयार होता है। 20 मीटर लंबी इस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, ताकि फिलिंग सेक्शन में ब्लॉकेज होने पर बॉटल्स की स्पीड यहां कम की जा सके। हर घंटे लेबल्स का एक रोल 16,000 बॉटल्स पर चिपकता है, लेकिन इससे पहले कि कोई बॉटल भरी जाए, ढक्कनों का बनाया जाना जरूरी होता है। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जाहिर है लाखों में नापा जाता है। ढक्कन उसी मटेरियल से बनते हैं जिनसे दूध की बॉटल्स बनती हैं। एक बार फिर पहले पैलेट्स एक ब्लेंडिंग मशीन में डाले जाते हैं। लाखों पैलेट्स को डाई के साथ मिलाया जाता है। आज का कलर ब्लू है, फैट वाले दूध के लिए। इस मिक्स को 230 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, इससे पहले कि इन्हें मोल्ड कैविटीज में भेजा जाए। हर मशीन में 32 कैविटीज हैं, इसलिए ये एक घंटे में 17,000 से ज्यादा ढक्कन तैयार कर सकती हैं। जब बॉक्स ढक्कनों से भर जाता है, तो उसे फिलिंग एरिया में पहुंचा दिया जाता है, ताकि हर एक बॉटल पर एक ढक्कन लगाया जा सके। ये ढक्कन, दूध और 2 लीटर की बॉटल्स। इसके बाद फिलिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार ये सब एक साथ एक ही कमरे में है, एक्शन के लिए तैयार। दूध को जहां होमोजेनाइज और पैस्चराइज किया गया था, उस प्रोसेसिंग रूम से पाइप्स सीधे फिलर बोल तक आते हैं। ठंडा ताजा दूध यहां रोक कर रखा जाएगा जब तक बॉटल्स नहीं आ जाती। एक करके बॉटल्स के आने के साथ ही उन पर पहले प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट्स को छापना होता है। हर बॉटल के बाहर की तरफ प्रेशराइज्ड इंक ड्रॉपलेट्स छोड़ी जाती हैं। जिससे ये डेट स्टैम्प्स बनती हैं। ये मशीन एक घंटे में 70,000 से ज्यादा बॉटल्स पर डेट प्रिंट करती है। अब टाइम है दूध को भरने का। हर बॉटल फिलर बोल के नीचे से गुजरती है और एक मैकेनिकल लिफ्टर इसे एक नोजल से जोड़ देता है, जो दूध भरना शुरू कर देती है। हर बॉटल को भरने में तकरीबन 4 सेकंड लगते हैं। देखिए, इस मिल्क फिलर की कैपेसिटी है 15,000 कंटेनर्स पर आवर। बॉटल फिलिंग और सीलिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जो बिना किसी मैनुअल लेबर के ऑपरेट होती है। एक चक्कर में 60 बॉटल्स भरी जाती हैं और उन पर फौरन ढक्कन लगा दिए जाते हैं। बॉटल के ढक्कनों का एक बॉक्स कैप फीडर में खाली किया जाता है, जो उन्हें एक के पीछे एक लगाता जाता है। एक ही बार में कैप शूट उन्हें नीचे उनकी जगह पर गिरा देता है।
प्रेशराइज्ड एयर ढक्कन को बॉटल पर दबाती है, जिसके बाद एक स्प्रिंग डिस्पेंसर इसे ऑटोमेटिकली रिम के साथ जोड़ देता है। ढक्कन लगी बॉटल इंस्पेक्शन से गुजरती है। खराब ढक्कन लगी बॉटल्स को मैन्युअली हटा दिया जाता है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बॉटल्स पैक की जा सके उससे पहले उन्हें एक वाटर शावर से निकाला जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि बॉटल्स पर अगर कहीं दूध गिरा हो तो वो साफ हो जाए। बॉटल्स भर जाने पर इन लाखों प्रोडक्ट्स पर नजर कैसे रखी जाती है? इसका जवाब है बेहद बड़ी खास तरह की स्टोरेज फैसिलिटी। वर्ग मीटर की इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में हर रोज लाखों प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। इसमें तीन सेक्शंस हैं, जिनमें 2,35,000 क्रेट्स तक रखे जा सकते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड। इन ताजा प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से कस्टमर्स के दरवाजे तक पहुंचाने में टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दूध की एक्सपायरी डेट प्रोडक्शन डेट से 4 दिन बाद की होती है, इसीलिए दिन के 2400 घंटे दूध को यहाँ डीपो में हम लाकर स्टोर करते हैं। दूध को ताजा रखने के लिए 30 बड़ी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स वेयरहाउस को 4 से 5 डिग्री के बीच ठंडा रखती हैं, यानी उतना ही टेम्परेचर जितना कंटेनर ट्रक्स में होता है। हर रोज 12 मीटर के ये 150 ट्रक पूरे रीजन में मौजूद डेपोस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ और दर्जनों प्रोडक्ट लाइंस हैं। इनमें से कुछ हैं जूसेस, जैसे ऑरेंज, मिक्स्ड बेरी, मैंगो और एप्पल। लेकिन इनकी बॉटलिंग दूसरे प्रोडक्ट से अलग होती है। लेकिन यहाँ से निकलने वाले हर प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स को एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो इन्हें बिना ठंडा किए 6 महीने तक एकदम सही रखता है, और ये है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर या UHT प्रोसेसिंग। इसे बाहर भेजना आसान है और कोल्ड टेम्परेचर्स पर स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। मतलब ये कि कोई भी आदमी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए इन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकता है। UHT प्रोसेस पैस्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन से शुरू होता है, वैसे ही जैसे ताजा दूध के साथ होता है। लेकिन फिर इसे एक और प्रोसेस से गुजारा जाता है, ये पक्का करने के लिए कि ये लंबे वक्त तक पीने लायक रहे। एक मशीन दूध को तेजी से 137 डिग्री पर गर्म करके हर किस्म के बैक्टीरिया को मार देती है। स्टेरलाइज किए जाने के बाद इसे फौरन ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है, और लीजिए काम पूरा हुआ। कच्चा दूध लंबे वक्त तक ठीक रहने वाला UHT दूध बन जाता है। एक स्टेराइल फिलिंग मशीन दूध को प्लास्टिक कार्टन्स में जमाती है, 1 घंटे में 24,000 पैक्स की स्पीड से। फिर कार्टन्स को सील और पैक करके पैलेट बनते हैं, लेकिन भेजे जाने से पहले इन्हें 7 दिन तक यही रखा जाता है। इससे फैक्ट्री को हर बैच की जांच करने का टाइम मिल जाता है कि कहीं इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। ऑन साइट लैब में टेक्नीशियंस फैक्ट्री से आए सैंपल्स की टेस्टिंग करते हैं। 60 लोगों की टीम सिर्फ UHT दूध की ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन लाइन के हर स्टेज से आए तमाम प्रोडक्ट्स की जांच करती है। ये सब क्वालिटी पर खरे हैं, ये देखने के लिए वो प्रोडक्ट्स के केमिकल और फिजिकल मेकअप की टेस्टिंग करते हैं। हम सैंपल को मिल्क को स्कैन मशीन में डालेंगे। ये मशीन हमें तकरीबन
30 सेकंड में रिजल्ट दे देगी और ये परसेंटेज बताएगी फैट की, नॉन फैट सॉलिड्स की, लैक्टोज और मिल्क के अंदर जो सॉलिड्स हैं उनकी। यूएचटी दूध को मशीन अंदर सक करती है जहां इसकी बनावट का पता लगाया जा सकता है। ये बैच टेस्ट में पास हुआ। भेजे जाने की हरी झंडी मिलने के बाद ये यूएचटी बैच सीधे एक अलग लॉन्ग लाइफ स्टोरेज फैसिलिटी की तरफ बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट में ये अपनी तरह की पहली फैसिलिटी है। स्क्वायर मीटर की ये फैसिलिटी 5 स्टैकर क्रेन्स इस्तेमाल करती है जो 22 मीटर ऊंचे रैक्स पर ऊपर नीचे होती रहती हैं। 3 ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रेन्स को ये बताते हैं कि आने वाले हर प्रोडक्ट को कहां पर स्टोर किया जाना है और बाहर जाने वाले हर पैलेट को कब जाना है। प्रोडक्ट्स को रखने के 15,000 से ज्यादा अलग अलग होल्डिंग ब्लॉक्स होने की वजह से इस सिस्टम को हर बैच की जानकारी रखनी होती है। एक यूनिक बारकोड पर हर पैलेट की खास जानकारी होती है। पैलेट के आगे बढ़ते हुए ये जानकारी सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। एक पूरी तरह से डिजिटल रोबोटिक सिस्टम के मायने है भूल की कोई गुंजाइश नहीं। किसी पैलेट का 6 डिस्पैच बेस में से एक पर जाना तय करने के बाद ऑटोमेटेड सिस्टम उसे शेल्फ से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हुए हर पैलेट को आखिरी बार स्कैन और चेक किया जाता है। इसके बाद ही उसे उसके बे पर भेजा जाता है। हर हफ्ते यहाँ से 10,000 पैलेट्स रवाना होते हैं। प्रोसेस होने, बॉटल में भरे जाने और टेस्टिंग के बाद दूध स्टोर शेल्फ्स पर जाने के लिए तैयार है। पूरे मिडिल ईस्ट में 65 रीजनल डेपोज होने के चलते अगला चैलेंज है दूध को इसके सफर के आखिरी हिस्से के लिए एकदम ताजा कैसे रखा जाए। फार्म से प्रोसेसिंग प्लांट तक दूध के सफर का आखिरी हिस्सा भी उतना ही इंप्रेसिव होता है जितना की इसकी शुरुआत। एक डेपो से हर 6 मिनट में एक ट्रक निकलता है। अलमराय ट्रक्स हर साल 19.3 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करते हैं, यानी पृथ्वी की गोलाई को 4800 से ज्यादा बार नापने के बराबर। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद की एक सुपरमार्केट तक का ये सफर तो छोटे सफर में से एक है, लेकिन जहां जहां ये ट्रक्स रुकते हैं वहां हर स्टोर पर सफर का आखिरी स्टेप एक सा ही होता है। ड्राइवर्स प्रोडक्ट्स को उतारते हैं और उन्हें सीधे चिलर शेल्फ्स पर रख दिया जाता है और इसी के साथ पूरा होता है ये प्रोसेस। गाय से सुपरमार्केट शेल्फ तक इस तरह बनाता है अलमराय दूध और दूसरे प्रोडक्ट्स अपने लाखों कस्टमर्स के लिए।